नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज़। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। कोरोना महामारी देश में हाहाकार मचा रही है। इसी बीच अस्पताल में बेड और दवाओं की कमी के बीच वेंटिलेटर की कमी की खबरें भी आ रही है। तो वही आज के दौर में अगर कोरोना मरीजों को बचाना है तो वेंटिलेटर के सिवाय नहीं बचाया जा सकता। इसी वेंटिलेटर की कमी लगभग सभी अस्पतालों में। इसी बात को समझकर अंबरनाथ के एक दानवीर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक वेंटिलेटर खरीद कर अंबरनाथ पालिका को दिया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दान करना सबके बस की बात नहीं, दान करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जिसके पास पैसे हैं और उसने दान किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है और उसने लाखों रुपए का दान किया है उसे ही दानवीर कहते हैं। आइए मिलते हैं अंबरनाथ के एक ऐसे ही दानवीर मोहन कुलकर्णी से। ये है मोहन कुलकर्णी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से पालिका को 6.5 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर दान दिया। हालांकि उनके पास 4 लाख रुपए ही थे और बाकी का 2.5 लाख का कर्ज लेकर अंबरनाथ पालिका को वेंटिलेटर दान दिया। एक वेंटिलेटर जे माझ्या आवाक्याबाहेरचं होतं ते सुद्धा मी आज अंबरनाथ नगर परिषदेला दिलं आहे। आणि माझी नेहमीच भावना असते की दुसऱ्या स्वतःसाठी सगळेच जगतात पण दुसऱ्यासाठी जगणं हे फार महत्त्वाचं असतं, तर आपण त्या दृष्टीने काहीतरी प्रयत्न करू म्हणून ते मी वेंटिलेटर सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेलं आहे सगळ्यांसाठी। काय नेमकी भावना? माझ्या मिसेससाठी सुद्धा काहीतरी करायचं होतं, तर काय करूया। तर मग सीओ साहेब म्हणाले की ॲम्ब्युलन्सच्या ऐवजी आम्हाला वेंटिलेटर दिलं तर फार बरं पडेल। तर म्हटलं एका क्षणाचाही विचार न करता मी ते मान्य केलं आणि आज आपल्याकडे वेंटिलेटर आलेलं आहे आणि आपण देतोय ते। वही ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति जब इतना बड़ा दान कर सकते हैं तो शहर के बड़े उद्योगपति और व्यापारी क्यों हैं? शहर के हित में आगे आकर दान करने की अपील। वही दानवीर मोहन कुलकर्णी को लाख लाख धन्यवाद करते हुए पालिका के मुखिया डॉक्टर प्रशांत रसाल ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। व्हेंटिलेटर उपलब्ध असणे ही आजच्या काळात काळाची गरज आहे। आयसीयू बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, व्हेंटिलेटर हे आता निकड म्हणजे मोठी मोठी शस्त्र झालेत हे कोरोनाच्या युद्धामध्ये। आपण सामाजिक संस्थांना गेल्या काही 8 दिवसापूर्वी आवाहन केलेलं होतं की नगरपालिकेला डोनेशनच्या रूपामध्ये ह्या वस्तू द्याव्यात। या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन आपल्या अंबरनाथ येथे नोकरी केलेली आणि आता मुंबईत स्थायिक झालेले मोहन कुलकर्णी साहेब यांनी आपल्याला त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर जे मिळालेले लाभ होते त्या पैशातून 7 लाख रुपयांचे व्हेंटिलेटर आपल्याला आज त्यांनी एक डोनेट केलेला आहे। याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आभार मानावं, त्यांच्यासमोर नतमस्तक व्हावं इतकं मोठं हे डोनेशन आहे। कुलकर्णी साहेब हे रिटायर झालेत, त्यांना पेन्शनचे खाजगी सेवेमध्ये होते बोरेक्स फार्मा कंपनीमध्ये आणि या कंपनीत रिटायर झाल्यानंतर 10 वर्षानं म्हणजे जवळपास 70 वयातला हा देवमाणूस आपल्याला एवढी मोठी मदत करतो हे पाहून आम्हाला काम करण्यास खूप प्रोत्साहन मिळालेलं आहे। पाठीवर एक आपुलकीची थाप पडल्यामुळं आम्हाला खूप अभिमान वाटत आहे। नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपलं 1 दिवसाचं वेतन कोविड राहत कोषाला दिलेलं आहे। यामधून आम्ही 5 लाख रुपयेपर्यंत हा निधी होईल अशी अपेक्षा आहे। यामधून नगरपालिकेच्या आयसीयूसाठी आवश्यक असलेले 5 बायपॅप मशीन आपण खरेदी करणार आहोत आणि हे डोनेशन्स डेंटल हॉस्पिटलला आपण देणार आहे। कोरोना बहुत स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस, वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने खुद बाहर नहीं निकलते। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ऐतिहासिक खबर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।